हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत आचार्यों की। देखिए, काव्य शास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है और प्रश्न जो है कई बार गलत भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आप पढ़ लें तो आप आराम से उन प्रश्नों को कर सकती हैं। तो यहाँ पे एक नोट्स के तौर पे मैं इस चीज़ को लेकर आई हूँ। तो देखिए, संस्कृत आचार्यों का जो क्रम है और उनकी जो रचनाएं हैं वो अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये कह सकती है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, पहले संस्कृत आचार्यों का जो क्रम रहा है वो देखते हैं और उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएँ रची गई है। तो सबसे पहले भरत मुनि, जिनका समय है 2री शताब्दी और इनकी रचना है नाट्य शास्त्र। अगले जो आचार्य है वो है भामह, इनका समय है 6री शताब्दी और इनकी ग्रंथ है काव्यालंकार। अगले जो आचार्य है वो है दंडी, इनका समय है 7वीं शताब्दी और इनका जो रचना है वो है काव्यादर्श। अगले जो रचनाकार हैं आचार्य हैं वो है उद्भट, इनका समय है 8वीं शती और इनका जो रचना है वो है काव्यालंकार सार संग्रह। वामन, इनका समय है 8वीं शती और इनकी रचना है काव्यालंकार सूत्र। यहाँ भामह की रचना में देखिए काव्यालंकार है, वहीं पे वामन ने जो है काव्यालंकार सूत्र नाम से रचना रची है। तो ये देखिएगा, रुद्रट, इनका समय है 9वीं शताब्दी और 9वीं शती है और इनकी रचना है काव्यालंकार। आनंदवर्धन, 9वीं शती और इनकी जो रचना है वो है ध्वन्यालोक। राजशेखर, 10वीं शती और इनकी रचना है काव्य मीमांसा। भट्टतोत, 10वीं शती और इनकी रचना है काव्य कौतुब। अभिनव गुप्त, इनकी रचना है 10वीं शती, इनका समय है और इनकी रचना है तंत्रालोक। कुंतक, इनकी समय है 10वीं शती और रचना हो गई वक्रोक्ति जीवितम। धनंजय, इनकी समय है 10वीं शती और इनका जो रचना है वो है दशरूपक। अगले जो आचार्य है वो है महीम भट्ट और इनका समय है 11वीं शती और इनकी रचना है व्यक्ति विवेक। भोजराज, इनका समय है 11वीं शती और इनकी रचना है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। अगले जो आचार्य हैं वो है क्षेमेंद्र, समय है 11वीं शती और इनकी रचना है कवि कंठाभरण। मम्मट, समय है इनका 11वीं शती और रचना है इनकी काव्य प्रकाश। अगले जो आचार्य है वो है रुइयक, समय है इनका 12वीं शती और रचना है इनकी अलंकार सर्वस्व। अगले आचार्य है शोभाकार मित्र, समय है 12वीं शती और रचना है इनकी अलंकार रत्नाकर। अगले आचार्य है वाग्भट्ट प्रथम और समय है 12वीं शती और रचना है वाग्भट्टालंकार। अगले रचनाकार है हेमचंद्र, समय है 12वीं शती और रचना है काव्यानुशासन। अगले आचार्य है रामचंद्र गुणचंद्र, समय है 12वीं शती और रचना है नाट्य दर्पण। अगले जो आचार्य हैं वो है शारदा तनय, 13वीं शती के और ग्रंथ है इनका भाव प्रकाशन। अगले जो आचार्य हैं वो है जयदेव और रचना है इनकी, इनका समय है 13वीं शती और रचना है चंद्रालोक। अगले आचार्य हैं विश्वनाथ, रचना है 14वीं शती और समय 14वीं शती और रचना हो गई साहित्य दर्पण। अगला है विद्याधर, 14वीं शती समय है और एकावली इनकी रचना है विद्यानाथ, 14वीं शती और नाट्य दर्पण हो गया। भानुदत्त, 14वीं शती, रसमंजरी रसतरंगनी। रूप गोस्वामी, 16वीं शती और रचना है उज्जवल नीलमणि। शेखर केशव मिश्र, 16वीं शती और प्रताप रुद्र यशो भूषण। अपय दीक्षित, 16वीं शती और वित्री वार्तिक। पंडित जगन्नाथ और इनका समय है 17वीं शती और रचना है इनकी रसगंगाधर। अगला है विश्वेश्वर पंडित, 18वीं शती और रचना है अलंकार कौस्तुभ।
अब इसमें से जो मुख्य रूप से पूछा जाता है, देखिए जयदेव की रचना पूछी जाती है, विश्वनाथ की रचना और समय भी इनका क्रमानुसार में आ जाता है। रूप गोस्वामी की रचना जो है पिछली कई बार से पूछी गई है और अपय दीक्षित भी आ जाता है, पंडित जगन्नाथ तो आता ही है। तो ये मुख्य इनके हो गए हैं, इनके तो देख ही लीजिएगा। और क्रमानुसार में देखिए भरत मुनि तो आते ही हैं, भामा दंडी और उद्भट वामन। देखिए स्टार्टिंग के तो आप कर ही ले क्योंकि यहाँ पे इनकी रचना और क्रमानुसार जो है इनका पूछा ही जाता है। तो ये थे संस्कृत आचार्यों के क्रमानुसार वर्णन और इनके जो रचे गए ग्रंथ हैं उनका वर्णन। तो आप सभी को ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।